सहज वर्ष 1944 में बम्बई के बंदरगाह पर आग बुझाते सब हमारे 66 फायर सर्विस के कर्मचारी अधिकारी शहीद हुए। उन्हीं के आत्मा की शांति के लिए प्रतिवर्ष हम लोग स्मृति दिवस उनके याद में मनाते हैं। साथ साथ आज से एक सप्ताह का फायर प्रिवेंशन वीक हम लोग चलाते हैं ताकि कोई आग ही ना लगे, अगर आग लगे तो उस पर तुरंत हम काबू पाएँ। और जनता के बीच घूम घूम करके प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, ऐसी कोई भी आग की घटना ना होने दें। ऐसा सबसे पहले तो प्रिवेंशन की जानकारी देते हैं, जो घर में जब गैस का प्रयोग करें तो आप हर हमेशा नीचे से सिलेंडर से स्विच ऑफ करें, केवल चूल्हा बंद कर देते हैं और पाइप से लीकेज करके बिजली का जो भी उपकरण हो ISI उपकरण प्रयोग करें मानक के आधार पर, कभी विद्युत का कटिया न लगाए कहीं। साथ साथ अगर किसी के शरीर में आग लग जाए तो तुरंत उस पर पानी डालें। और खेत खलिहान के तरफ कोई भी व्यक्ति माचिस लेकर के गर्मी महीने में जब फसल पक जाए तो ना जाए, उस पर विशेष निगरानी हम अपने थाने के पुलिस के बीट वाले से, अपने से और SDM साहब DM साहब से मिल करके समस्त लेखपालों को उसमें हम क्षेत्र में घूमने तुरंत उस पर पानी डालना चाहिए। और पानी सबसे बेहतर है खूब तेज़ी से उस पर पानी डाल दे, उसको कभी किसी चीज़ से ढके नहीं। ढकने पर वो सिलेंडर जो है ना, जब बनना होता है तो सिलेंडर फैलने लगता है, फैल के फट सकता है। पानी डालने के बाद हमें तुरंत रिंग कर दें जी। हाँ, पानी से बुझ जाएगी। सिलेंडर में जो भी गैस है या पानी में घुलनशील गैस होता है, और जब उसके जलने के रास्ते को हम अवरुद्ध कर देते हैं तो अवरुद्ध करेगा तो सिलेंडर एक्सपेंशन होगा, बैक कंप्रेसर होगा, फिर सिलेंडर फट जाएगा। या जो छोटे सिलेंडर होते हैं, या सिलेंडर कहीं से भी मानक के अनुरूप नहीं है, ये जो बाज़ार में बिकते रहते हैं, सब भरते रहते हैं, यही खतरा का कारण है। हम लोग भरसक प्रयास करते हैं लेकिन यह नोडल विभाग है, जिला पूर्ति विभाग ही इनका नोडल विभाग है, वो इसको चाहे तो रोक सकते हैं। हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं और करते हैं। एक फोटो लगा दिया।